Sagan. इन हिंदी चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है आधार सेंटर कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे इस टेक सपोर्ट इन हिंदी चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें। और क्योंकि इसमें हम मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें वीडियो अपलोड करते रहते हैं समय समय पर, ठीक है, तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और यदि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि इसमें और इसे आपको, तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि मेरे सारे वीडियो आपके ईमेल के इनबॉक्स में बराबर मिलता रहे, तो इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, सीख लेते हैं कि कैसे आधार सेंटर कैसे लिया जाए और हमारे VLE भाई किस तरह से आधार का सेंटर ले सकते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम देना है, किस तरह से उसको पास करना है, ठीक है, और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसको हम आज सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना गूगल खोल लेते हैं। गूगल में टाइप करते हैं आधार एग्ज़ाम। सबसे पहले एग्ज़ाम में बैठेंगे क्योंकि हमारे पास ID तो अभी है नहीं, तो ID पाने के लिए हमें आधार में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है, यानी ID हमें आधार से लेनी होगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पे देखिए हमें लॉगिन होना है। तो सबसे पहले हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए हम क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी देखिए यहाँ पे डाल के मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको करते हैं। स्पीड क्वेश्चंस, FM57 सबमिट, ठीक है, ये हमारा देखिए ID यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है, ये यहाँ से हमें UID की तरफ से ID मिल गया है। अब यहाँ से हम यहाँ से क्लिक टू लॉग इन। अब देखिए यहाँ पे ID हम यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं और जो हमने पासवर्ड दिया था यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर लेते हैं और यहाँ से साइन इन, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखिए एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है, एजुकेशन डिटेल्स यानी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है ये आपको बताना है। यहाँ पे लेवल ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल क्या है आपको ये फिल करना है। एग्ज़ाम लैंग्वेज या हिंदी में देना है या अंग्रेजी में देना है वो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको एजेंसी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, यानी कि एजेंसी कौन सी है। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए, आपको जो इनरोलमेंट नंबर मिला है वो डाल दीजिए, ठीक है, फिर डेट कब बना था वो टाइमिंग डाल दीजिए यहाँ पे। इसके बाद अपना यहाँ पे प्रीफिक्स यानी मिस्टर है मिसेज है क्या है वो डाल दीजिए यहाँ पे। फिर नेम, मिडिल नेम, ठीक है, फिर लास्ट नेम आपको डालना है, फिर वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद ये सारा सब ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पूरे फॉर्म को यहाँ पे अब सेव कर लीजिए और यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने के बाद दूसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको अपलोड फ़ोटो, तो फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको लास्ट में प्रीव्यू दिखेगा, तो उसमें आप देख लीजिए कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद फाइनल सबमिट करके आप इसमें देखिए चालान निकलेगा,
तो फाइनल सबमिट के बाद एक यहाँ से चालान निकलेगा, वो चालान निकलने के बाद 24 घंटे के बाद बैंक पर लेके जाइए, बैंक पर वहाँ पे 365 रुपये पेमेंट करना है। तो चालान पे पैसे जमा करने के यहाँ पे आके उसको फाइनल सबमिट करना है, कर लेना है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर भी आपको मिल जाएगा, किस तारीख को कहाँ पे आपका सेंटर है, वहाँ पे आपको जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आपको परीक्षा देना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप मॉक एग्ज़ाम यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंटर डिटेल्स यानी कि स्टेट कौन सा, सिटी कौन सा, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि सेंटर हमारा कहाँ पे है और सेंटर है अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं आता तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, किस तरह से हमको अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चालान यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से तो आप अपना एग्ज़ाम दे करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आपको यदि आपके पास CSC सेंटर है तो CSC सेंटर पे लॉगिन करें, या फिर यदि आपके पास UID या इसे आपके पास यदि ID हो गया है तो आप किसी एजेंसी को पकड़िए, ठीक है, एजेंसी को कांटेक्ट करिए और वहाँ से कांटेक्ट करके आप मशीन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप CSC चलाते हैं तो मैं CSC के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपना CSC ओपन कर लीजिए, ठीक है, अपना CSC से कनेक्ट। देखिए यहाँ पे अपना ID डाल लीजिए, पासवर्ड डाल लीजिए, यहाँ पे कैप्चा डाल के ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो लॉगिन है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप पासवर्ड लिख लीजिए, सर्विस पासवर्ड, ठीक है। सर्विस पासवर्ड देने के बाद सबसे नीचे आप चले जाइए, यहाँ पे देखिए आधार डेमोग्राफिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर दीजिए। तो आपको मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे अपना नेम डाल दीजिए, ठीक है, उसके बाद फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लीजिए। इस फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे सुपरवाइजर UID सर्टिफिकेशन नंबर यानी कि आधार कार्ड, जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको तुरंत ही आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं पास हूँ या फेल, या आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको मिल जाएगा और नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपका सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। आप मशीन ले लीजिए और अपना सेंटर स्टार्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो हमारा ठीक लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ठीक है, थैंक यू वेरी मच।